सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स का जैसा प्रदर्शन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, लाइफ हाई पर नैसडैक S&P, सर आज कैसे ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए सबके मिले जुले ना बड़ी तेजी के ना बड़ी मंदी के, और देखेंगे तो आपके लिए मिले जुले सबके थे, कुछ खास बड़े ऐसा पॉजिटिव भी नहीं तो नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ा सा एक्शन लाइफ हाई के आसपास जो उसके लिहाज से कम होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये समझना है कि बाजार सीमित दायरे में खरीदारी आती हुई दिखेगी, ऊपर रुकावट के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, दोनों तरफ के मौके देंगे, तो शुरुआत होने के बाद शायद पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन की तरह ही एक बार नीचे का मौका बाजार देगा और उस सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको एक चांस मिलेगा, वहां पर भी आप करते रहें, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी बाजार में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक सवाल है सपोर्ट लेवल का, 123,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, इस रेंज में खरीदारी आने की पूरी पूरी संभावना है। ऊपर में 23,300-23,400 की रेंज है जहां पर बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 49,350-49,500 ये आपके लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 49,950-50,100 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो मेरा ये समझना है कि दोनों ही तरफ के मौके जो मिलेंगे ट्रेडर्स को, उसका इंतजार करें, सुबह शुरुआत के बाद बाजार को पहले किसी एक तरफ एक लेवल पर आने दें और उसके विपरीत ट्रेड करें, दिन के दौरान कॉन्ट्रा ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, उनके लिए अभी भी बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी रखी जाए। जो लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैश मार्केट शेयरों में अब भी एक्शन तेजी की तरफ बना रहेगा। जी वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद बताने के लिए कि ट्रेडर्स और निवेशक दोनों के लिए इस मार्केट में किस तरह के मौके हैं। तो चलिए सर ने इस तरफ इशारा कर ही दिया है कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में खूब एक्शन दिखने वाला है, एंड ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहे।